परिमेय संख्या का अध्ययन किया था, अब हम अपरिमेय संख्याओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिस प्रकार हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी, परिमेय संख्या वे संख्या होती थी जिनको हम p बटे q के रूप में ले सकते थे, लेकिन वहां पर q का मान क्या नहीं हो सकता था, जीरो नहीं होता था, और p और q क्या होते थे, पूर्णांक संख्या होती थी। तो अपरिमेय यानी उसकी क्या होगी, ठीक विपरीत होगी, यानी कि जिन संख्याओं को हम तो हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वे सभी संख्याएं, अपरिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या हुई, वे संख्याएं जब जिन संख्याओं को हम किसके रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या थी, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते थे, और अपरिमेय क्या हो जाएगी, ठीक उसकी क्या हो जाएगी, विपरीत, क्योंकि परिमेय में हम क्या लिखते थे, उन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते थे, लेकिन अपरिमेय में क्या करते, p बटे q के रूप में नहीं लिखते। यहाँ पर भी कोई q का मान क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, और p और q क्या है, पूर्णांक है। आपको जो परिमेय संख्या की जो परिभाषा थी उसमें क्या शब्द लगाना है, नहीं लगाना है, वहां पर तो हम क्या लिखते थे, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय होती, लेकिन अपरिमेय में क्या है कि जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या क्या हुई, जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। इसका मतलब जो संख्या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा आती है वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। तो इसके अंतर्गत क्या आएगी, इसके अंतर्गत वे संख्याएं आएंगी जिनका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और जिनका हम पूरा पूरा घनमूल नहीं निकाल सकते, क्या नहीं निकाल सकते, घनमूल नहीं निकाल सकते। तो जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, और जिनका पूरा पूरा क्या नहीं निकलता, घनमूल नहीं निकलता, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे रूट दो, रूट दो क्या है, क्या आप रूट दो इस दो का वर्गमूल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, इसलिए ये रूट दो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। रूट तीन, क्या रूट तीन का आप क्या निकाल सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, इसलिए ये किसमें आएगी, अपरिमेय संख्याओं में आएगी। क्या रूट चार, क्या रूट चार का आप क्या वर्गमूल निकाल सकते हो, इसका हम क्या निकाल सकते, वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए रूट चार क्या नहीं कहलाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी, फिर रूट पांच क्या कहलाएगी, रूट छह। तो ये सारी रूट की संख्या है जिनका हम क्या नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पूरा पूरा क्या नहीं कर सकता, उनका वर्गमूल नहीं कर सकता, या जो संख्या क्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार घनमूल की बात करें, टू की पावर वन बटे थ्री, ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और इसी तरह मैंने लिख दिया घनमूल ऑफ 60, ये भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। डॉट 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 इत्यादि, इसी प्रकार
पाई भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पाई। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। परंतु पाई का मान होता है पाई छोटे सात, ये क्या कहलाता है? एक परिमेय संख्या कहलाता है। पाई का मान क्या? 22/7, ये तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि पाई का मान और ये 22, पाई जिसका मान हम क्या मानते हैं? 22/7, ये दोनों के मान लगभग क्या रहते हैं? समान रहते हैं। इसलिए पाई तो क्या कहलाती है? अपरिमेय। इसलिए इसके लगभग बराबर उस मान को क्या लेते हैं? मान सकते हैं। क्योंकि पाई इसमें इसका भाग देते हैं तो त्रिकोण हमको कुछ समथिंग आता है। इसलिए क्या कहलाएगा? पाई कहलाएगी एक अपरिमेय संख्या, और पाई का मान जो 22/7 है वो क्या कहलाता है? एक परिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्या होती है। यह नंबर क्या होता है? यदि अब तक हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ी, यदि हम परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को भी मिला दें तो सभी संख्या मिलकर क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। यानी कि हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का सेट ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या बनती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वे संख्या है जिनमें हम परिमेय संख्याओं में क्या इसको मिला दे, अपरिमेय संख्याओं को मिला दे तो ये सभी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से ले सकते हैं, वास्तविक संख्या है वे संख्या होती है, तो वे संख्या जिन्हें हम, वे संख्या है, दूसरे शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं, वे संख्या है जिन्हें हम वास्तविक संख्या रेखा पर, वे संख्या जिन्हें हम वास्तविक संख्या रेखा पर, वे संख्या जिन्हें हम वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित, वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिन्हें हम वास्तविक संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? वास्तविक नंबर लाइन आपने क्लास 7 में टीचर में इस तरह क्या होती है? नंबर लाइन होती है। इसके बीचों बीच में हम क्या मान लेते हैं? जीरो। इससे इस साइड जाएंगे यानी राइट साइड जाएंगे तो कैसे नंबर लेते हैं? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड जाते हैं तो कैसे नंबर लेते हैं? नेगेटिव। तो इस वास्तविक संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या कर सकते हैं? हम दर्शा सकते हैं। इसलिए हम वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वे संख्या जिन्हें हम किस पर दर्शा सकते हैं? वास्तविक संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। वे सभी संख्या क्या कहलाती है? वे सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। हम इन सभी संख्याओं को एक चार्ट के द्वारा समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे सर्वप्रथम हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या थे? 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या कहलाती थी? नेचुरल नंबर थी। हमने क्या कर दिया? ये नेचुरल नंबर में जीरो को भी क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। और जीरो को इंक्लूड करने पर सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अब होल नंबर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? होल। यानी कि ये तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? एन मीन्स प्राकृत संख्या, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। और ये पूर्ण संख्याओं में भी हम क्या मिला दें?
नेगेटिव नंबरों को भी क्या करेंगे शामिल कर ले। तो ये सभी नंबर अब कहलाएंगे कौन से नंबर, इंटीजर नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर नंबर कहलाएंगे। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या। यानी कि हमने क्या किया, जितनी भी हमारी गिनती थी उन गिनतियों का हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया, एक समूह बना लिया। उस सेट को हम क्या कहते थे, नेचुरल नंबर कहते थे। क्या कहते थे, नेचुरल, यानी कि पूर्ण संख्या कहते, सॉरी प्राकृत संख्या कहते थे। अब इन प्राकृत संख्याओं में हमने क्या मिला दी, एक जीरो नंबर मिला दिया, तो ये अब कहलाते क्या, होल नंबर। और इनमें यदि हम माइनस की संख्या को भी क्या कर ले, इंक्लूड कर ले, तो ये सभी संख्या कहलाती है इंटीजर नंबर। क्या कहलाती है, इंटीजर नंबर। और यदि इन इंटीजर नंबरों में हमने क्या p बटे q यानी अंश बटे हर की संख्या क्या कर दी, मिला दी, जैसे 1/2, 3/2, तो ये सारी संख्या क्या कहलाती थी, परिमेय संख्या है। क्या कहलाती थी, परिमेय संख्या है। जिनको हमने किससे दर्शाया था, q से दर्शाया था। किससे दर्शाया था, q से दर्शाया था। आगे आगे हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ी थी, अपरिमेय संख्या पढ़ी थी। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम दर्शाते हैं क्यू के ऊपर पावर सी, क्यू के ऊपर पावर सी। ये क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। यानी ये तो सारी क्या कहलाई, परिमेय। और इसके बाद जो बची वो सारी संख्या क्या कहलाई, ये बची थी, जितनी भी संख्या बची इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त परिमेय संख्याओं में सारे नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, इंटीजर नंबर आ गए। ये सारी नंबर किसमें आ गए, परिमेय संख्याओं में आ गई। अब इसके बाद इस आलेख में आप देखते हो, चार्ट में आप देखते हो, जो शेष बच रहा है, जो भाग, इस शेष बचे भाग में जो भी संख्या होंगे वे सारी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसलिए ये सारी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने के बाद ये कंप्लीट जो चार्ट आपको दिख रहा है वो कंप्लीट चार्ट कहलाता है रियल नंबर। क्या कहलाता है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्लीट चार्ट वास्तविक संख्या कहलाता है। ये कैसी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कंप्लीट चार्ट क्या कहलाएगा, चार्ट क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या होती है, तो क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है। क्योंकि सभी वास्तविक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो सभी परिमेय आ गए, जो क्या आ गए, अपरिमेय संख्या आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या है क्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सभी अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि सभी अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती, हाँ, क्योंकि सारी बात अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या सभी परिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्योंकि सभी परिमेय संख्या किसके अंतर्गत विद्यमान है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या विद्यमान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, तो नहीं कहलाती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो कौन सी संख्या भी विद्यमान है, परिमेय संख्या है विद्यमान है। इससे आधारित आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इससे आधारित क्वेश्चन पूछा था। आपको दिए गए कथन सत्य या असत्य, असत्य के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा कथन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। और तीसरा कथन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और इसके बाद मेरा दोबारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।